हमने जो पिछले दो ऑपरेशंस किए थे उसमें दुश्मन ने हमसे भारी मात खाई। तो जरूर बदला लेने के लिए वो कोई ना कोई नया कदम उठा सकते हैं। कैप्टन, जंग में तो दोनों तरफ के लोग मारे जाते हैं, लेकिन इस ड्रग के चक्कर में सिर्फ और सिर्फ दुश्मन मुल्क के लोग तबाह होंगे। As you know, हमारा major दुश्मन टेरिटरी में है, and problem is that हम लोग सीधा सीधा उधर जा भी नहीं सकते हैं और डायरेक्टली जाके उधर अटैक भी नहीं कर सकते। सुबू सर, क्या आप बता सकते हैं कि एग्जैक्ट लोकेशन है कहाँ पे, यहाँ पे हम जाकर उनको ढूंढ सके? गुड गैरी। कैप्टन सुबू, जब तक हमें लोकेशन पता नहीं होगी हम अटैक कहाँ करेंगे? और मुझे लगता है इस प्लान में थोड़ी कहीं कमी है। और ठीक है, एक बार अगर ऑपरेशन गुलरेज सफल हो गया, पर हर बार एलओसी पार करना इज वेरी डेंजरस। सर, इसीलिए तो मैं कहता हूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इन्फॉर्मर्स को ढूंढना होगा जो भरोसेमंद हो, उन पे हम ट्रस्ट कर सके, क्योंकि वही इन्फॉर्मर आगे चलकर हमारे मेजर्स का पता बता सकते हैं कि उनकी लोकेशन है कहाँ पे, तभी हम कोई प्रॉपर प्लानिंग बना सकते हैं सर। यू मीन कोई इनसाइडर वहां जाकर हमारे मेजर्स को भागने में हेल्प करेगा, राइट? यस। लेकिन गैरी, इतना भरोसे वाला इनसाइडर कौन हो सकता है, क्योंकि इसमें रिस्क फैक्टर बहुत ज्यादा है, हमें मिसगाइड भी किया जा सकता है। सर, इसलिए तो मैं कहता हूँ कि इस बार प्लान बहुत टाइट होना चाहिए, वरना आपको पता है सीओ सर ने इस प्लान को रिजेक्ट कर देना है, और मैं नहीं चाहता कि लास्ट टाइम की तरह इस बार भी हमें ऐसी कोई चीजों का सामना करना पड़े। और अगर प्लान फेल हुआ तो हमारी मेजर्स की जान को खतरा हो सकता है। मुझे लगता है सुबू, ये रिस्क हम अभी नहीं ले सकते। सबसे पहले हमें एलओसी पार किसी रिलायबल लिंक को ढूंढना होगा, तभी हम कुछ फाइनल कर सकते हैं। पट्टानिया, देखो हमारा बलदेव साहब है ना, उनका एलओसी के पार एक वेरी रिलायबल कॉन्टैक्ट है। इवन वो बिल्लू और सदब के ऑपरेशन के टाइम भी ना उसने काफी हेल्प किया था, हो सकता है इस टाइम वो वापस हेल्प करे। बिल्कुल कर सकते हैं। तो इसीलिए जो हमने सारे पॉइंट्स यहाँ पर डिस्कस किए हैं ये इस प्लान में शामिल करते हैं, और सीओ सर के साथ बैठकर मीटिंग में फाइनल कर लेंगे कि उन्होंने जो रखने हैं वो रख लेंगे। आई थिंक ये सही रहेगा, और फिर उनका एक्सपीरियंस भी हमें काम आएगा। दैट इज द बेटर वे। ओके, क्या है मैम? चैन, बैठिए। कहिए, कैसे आना? मैडम, ये कुछ नंबर की लिस्ट है, ये सस्पेक्टेड लोग हैं, इन्हें लोकल्स ने अपने एरिया में देखा है और मुझे रिपोर्ट की है, हमें पता लगाना है कि ये नंबर किसके नाम पर है। ये जो लोकल्स हैं, ये जब आपके पास आए तो आप इन्हें किसी सीनियर ऑफिसर के पास लेकर गए? नहीं मैडम, मैं इन्हें किसी सीनियर के पास लेकर नहीं गया, और जब मुझे पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है तो उसके बाद ही मैं अपने सीनियर को इसकी रिपोर्ट करता हूँ। बलदेव साहब, आप इतना केयरलेस कैसे हो सकते हैं? आपको सोचना चाहिए कि इन लोकल्स को हमारे सीनियर ऑफिसर के पास ले जाना कितना जरूरी है। हो सकता है कि वो इनसे कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ ले। आप सिर्फ एक जेसीओ है, हमारे सीनियर ऑफिसर्स इसलिए अपॉइंट किए जाते हैं ताकि वो किसी इंपॉर्टेंट डिसीजन पर पहुंच सके। ये हमारे देश की सिक्योरिटी का सवाल है, आप अपनी पावर का मिसयूज कैसे कर सकते हैं? देखिए मैडम, मुझे भी अपने देश की सिक्योरिटी की चिंता है। मैं बहुत पहले से, बल्कि आपसे भी पहले से आर्मी की सेवा कर रहा हूँ। देखिए जेसीओ साहब, आइंदा से आपके पास कोई भी लोकल आता है तो उसको सबसे पहले आप मेरे पास लेकर आएंगे। इवन लोकल ही क्या, हमारे जो एलओसी इन्फॉर्मर्स हैं, उनको भी आप सबसे पहले मेरे पास लेकर आएंगे। आई विल डील विद देम, आप उनसे कोई बात नहीं करेंगे। इज दैट क्लियर? देखिए मैडम,
मैंने बहुत सालों की मेहनत के बाद इन कॉन्ट्रैक्ट का भरोसा जीता है और इस प्लान को बड़े प्यार और विश्वास के साथ खड़ा किया है। वो लोग मेरे सिवा किसी की बात नहीं मानेंगे, किसी पर ट्रस्ट नहीं करेंगे। देखिए आइंदा से ऐसा कुछ नहीं होगा। मैंने एक सिस्टम बनाया है, इसके अकॉर्डिंग हम सबको चलना है। जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिलती है वो सबसे पहले मेरे पास आनी चाहिए। जैसा मैं कहूंगी वैसे ही एक्शन प्लान तैयार किया जाएगा। ओके ठीक है मैडम, मैंने लिस्ट दे दी है, आप जो करना चाहती है कर सकती है। जय हिंद। देखो जवान, मैं आज आप लोगों को पेट्रोलिंग के बारे में बताऊंगा, क्योंकि इतने दिनों से पेट्रोलिंग करने के बावजूद आप लोग कुछ ना कुछ गलतियां करते हैं। इस बार जरा ध्यान से सुने, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। पेट्रोलिंग पार्टी में गाइड का क्या काम होता है? सदफ साहब, क्या काम होता है? साहब गाइड हमेशा आगे चलता है और अपने सामने, दाएं और बाएं तीनों तरफ नजर रखता है। साहब सही बताया, मगर अधूरा बताया। मैं पूरा बताता हूं। गाइड का काम होता है अपने सामने, अपने राइट और लेफ्ट 45 डिग्री में नजर बनाते हुए आगे बढ़ना, और उसके पीछे वाले जवान का काम होता है अपने राइट, और उसके पीछे वाले जवान का काम होता है अपने लेफ्ट। मतलब ये कि हर जवान अपने आगे वाले जवान के अपोजिट डायरेक्शन में देखते हुए आगे बढ़ेगा। क्वेश्चन? नहीं सर। देखो जवान, नाइट पेट्रोलिंग इतनी आसान नहीं होती है। नाइट पेट्रोलिंग में आपको कोई भी टॉर्च या रोशनी का सोर्स नहीं दिया जाता है, तो ऐसे में क्या करें? राम सिंह साहब, क्या करना चाहिए ऐसे में? साहब वो पता नहीं साहब जी। मैं बताता हूं, ऐसे में आप लोग कंसंट्रेट करें, उल्लू की तरह एक टक देखें, तो फोकस बनना शुरू हो जाएगा। जैसे रात को जंगल में जानवर अंधेरे में चलता है, उसी तरीके से उनके देखने की शक्ति, उनके सूंघने की शक्ति और उनके सुनने की शक्ति से आप कुछ सबक लें। मेरे कहने का यह मतलब है, आपकी नजरों में उल्लू का तेज, आपके सूंघने और सुनने की शक्ति कुत्ते की जैसे, और आपकी चाल में चीते की लचक और तेजी होनी चाहिए, और शेर की तरह बहादुर। इन सभी को मिला के बनता है एक बहादुर जवान, इंडियन आर्मी की शान। अगर अभी भी कुछ समझ नहीं आया तो दोबारा पूछ, मगर इस बार गलती नहीं होनी चाहिए। सदा भाई। हाँ मियाँ। मरते हुए कहा है कि अगर हम लोगों में सारा गुण जानवर का आ जाएगा तो हम लोग इंसान रहेंगे। हो वो क्या है कि मियाँ, जब तक दो टांगों पे खड़े हैं तब तक तो इंसान है, आगे का कुछ नहीं पता। क्या बातें चल रही हैं यहाँ पर? कुछ नहीं साहब जी, कुछ नहीं साहब। साहब जी वो हम पूछ रहे थे कि ये सब होगा कैसे? कैसे होगा, क्या मतलब, क्या कहना चाहते हैं आप लोग? मैंने अभी बताया आप लोग कंसंट्रेट करेंगे, कैसे होगा? मुझे सारे के सारे जवान 5 मिनट में सारे हथियार के साथ, सारे किट के साथ यहाँ रिपोर्ट करेंगे। कौशक? नहीं साहब। लाइन तोड़। आप यहां बैठे? अरे मैं तो आपको बाहर ढूंढ रहा था। ओम प्रकाश साहब,
दत्ता जी सब सब के लिए ड्रिंक लेकर आओ। सब प्लीज सब, मैं शराब नहीं पीता। कौन साहब? कैसा साहब? साहब आज आपको अचानक हुआ क्या? अब मुझे बताइए, पहले तो आप ड्रिंक लेते नहीं थे और आज इतनी ज्यादा सरप्राइज। ओम प्रकाश तो सॉरी, ओम प्रकाश साहब आज से फौज में मेरे दिन खत्म। मैंने रिटायरमेंट की एप्लीकेशन दे दी है। बलदेव साहब, अगर आप किसी ने कुछ बोला है तो आप मुझे उसका नाम बताइए। कसम से उसे ऐसा सबक सिखाऊंगा ना कि सारी उम्र याद रखेगा, बेशक मेरा कोर्ट मार्शल क्यों हो जाए। बस आर्मी को अलविदा, नहीं करनी मैंने ये नौकरी। बलदेव साहब, आप हमारी पलटन के हीरो हैं। अगर हमारे जवानों को कोई प्रॉब्लम आती है तो सभी आपकी तरफ देखते हैं और आप है कि नौकरी छोड़ रहे हैं। सारी जिंदगी मैं अपनी फैमिली से दूर रहा, सिवाय आर्मी की सेवा के कुछ नहीं किया मैंने कई सालों से। एलओसी पर तैनात हूं मैं, साल में एक बार महीने की छुट्टी मिलती थी और वो भी एमरजेंसी में फिर वापस बुला लेते थे। ओके साहब, मैंने तो अपने बच्चों को भी बड़े होते नहीं देखा। यही सोचता रहा कि रिटायरमेंट के वक्त आर्मी कोई ना कोई सहूलियत देगी। साहब आप अपने रूम में चलिए और कुछ खा लें। बलदेव साहब, रात बहुत हो चुकी है, अब मैस का भी बंद होने का समय हो चुका है, प्लीज साहब चलिए। ओपी साहब, आपको पता है कि हम जेसीओ हैं, जेसीओ जूनियर कमीशन ऑफिसर। सीओ साहब भी मानते हैं कि पूरी पलटन के जवानों को हमारे सिवाय कोई नहीं संभाल सकता, पर है तो अब जैसी हुई और तुम भी वही हो। राज एक सीनियर मुझे मेरी औकात खा रहा है। सब प्लीज प्लीज सब बोले, सब मैं आपको शराब नहीं पीने दूंगा। सब सब आप मानिए, सब सब आप तो पूरे जवानों को बोलते थे कि शराब एक जहर है, नहीं पीनी चाहिए, और सब अब जहर पी रहे हो। सब सब बेशक आप मेरा कोर्ट मार्शल करा दिया, लेकिन मैं आपको शराब नहीं पीने दूंगा। सब सब समय बहुत हो चुका है, सब प्लीज सब आप रूम में जाइए, प्लीज प्लीज सब। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारी पलटन एक परिवार की तरह, वन बिग फैमिली। सो आज दो नए ऑफिसर्स आ रहे हैं हमारी पलटन को ज्वाइन करने के लिए, एंड दैट इज व्हाई मैंने आप लोगों को यहां बुलाया है। सर ये न्यू ऑफिसर्स कौन से यूनिट से है एंड व्हाट इज देयर रैंक सर? सबू, फर्स्टली
They are not your seniors. And secondly, may I come in, sir? Please come in. Jai Hind, sir. Lieutenant Simar Gosal reporting, sir. Jai Hind. Welcome, Lieutenant. Lieutenant Simar Gosal. Thank you, sir. Please meet your seniors. That's Captain Pathania. Hello. Hello. This is Lieutenant Gary. Hello. Hello. Captain Rajni. Hello. And Captain Subramani. Welcome. Hello. She is our new officer, Lieutenant Simar Gosal, an engineer from EME. Jai Hind, sir. Jai Hind. Lieutenant Rudra Pratap reporting, sir. I'm sorry, sir. I'm late. Actually, मेरी फ्लाइट थोड़ी लेट हो गई थी। कोई बात नहीं। Meet your seniors. This is Captain Subramaniam, Captain Rajni, Lieutenant Simar, Lieutenant Gary, and Captain Pathania. Hello. Hello. I think we can all sit. Lieutenant Rudra Pratap Singh, मैं आज से आपको RP कहूँगा, if you don't mind. ये आपकी पहली पोस्टिंग है सर। डू नॉट फॉरगेट कि आप एक एक्टिव एरिया में हैं सर। मैं चाहूंगा कि आप बड़ी शिद्दत के साथ अपने सीनियर्स के ऑर्डर्स को फॉलो करेंगे और बहुत जल्दी हर चीज सीख लेंगे। एंड आई गारंटी यू दिस दैट माय ऑफिसर्स विल हेल्प यू ऑल थ्रू द वे सर। सुबो प्लीज टेक केयर। श्योर सर। कैप्टन रजनी। यस सर। I think you've got very good company in Lieutenant Simar Gosal. I'm sure you both will hit it off well. Yes, sir. मैं सिमर की पूरी तरीके से हेल्प करने की कोशिश करूँ. Thank you, sir. Thank you, Captain. That's good. So the round of introduction, I think, is over. You may leave. Sir. Jai Hind, sir. Jai. अच्छा हाँ मैंने वो फाइल भेज दी है. पढ़ लीजिएगा जैन साहब। अरे भले साहब तशरीफ रखिए। थैंक यू सर। अच्छा मैं आपको बात करता हूँ। सो बलदेव साहब बलदेव साहब ये सब क्या है? ये अचानक प्रीमैच्योर रिटायरमेंट क्यों लेना चाहते हैं आप? कल तक तो ऐसा कुछ भी नहीं था। बस सर फैमिली प्रॉब्लम है सर, इसलिए जाना चाहता हूं, और कोई खास वजह नहीं है सर। बलदेव साहब आप झूठ बोल रहे हैं, वरना आप मेरी आंखों में आंखें मिलाकर बात करते हैं। देखिए बलदेव साहब, पलटन को आपकी जरूरत है और इस वक्त पलटन चारों तरफ से घिरी हुई है, और आप तो जानते ही कि हमारे देश में मिलिटेंट्स ड्रग्स जहर की तरह चारों तरफ फैला हुआ है, और ऐसे में आप रिटायरमेंट लेना चाहते हैं? आप मुझे बताइए आखिर बात क्या है? बलदेव साहब मुझे बताइए, अगर आप मुझे नहीं बताएंगे तो क्या मुझे पता नहीं चलेगा? मेरे भी अपने सोर्सेस हैं, मुझे मालूम है कि पलटन में क्या चल रहा है। मैं सबके दिमाग ठिकाने पर लगाऊंगा। प्लीज सर, सर मेरी रिक्वेस्ट है किसी पर कोई एक्शन ना लेना सर, मुझे बहुत बुरा लगेगा। बस फैमिली प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जा रहा हूं सर। बलदेव साहब आप झूठ बोल रहे हैं, और मुझे क्या एक्शन लेना है और क्या डिसीजन लेना है ये मुझे अच्छी तरह आता है, और ये
आपकी एप्लीकेशन मुझे मिली ही नहीं। जाइए, आप अपने ऑफिस में जाकर काम शुरू कीजिए। जाइए बलदेव साहब, इट इज माई ऑर्डर। यस सर, मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट करता हूं, किसी पर एक्शन ना लीजिएगा। जैन सर। जैन, कैप्टन रजनी को फौरन अंदर लीजिए, जहां कहीं भी है फौरन। हेलो कैप्टन रजनी। हेलो कैप्टन पठानिया, कहिए। मैं आपसे कुछ पूछने के लिए आया कि आपने बलदेव साहब को क्या कहा था? आपकी उनसे क्या बात हुई थी? नथिंग इंपॉर्टेंट, मैंने सिर्फ उनसे इतना कहा था कि मैं अपने स्टाइल से काम करना चाहती हूँ और उसी की मैं प्लानिंग कर रही हूँ। नहीं, बस इतनी सी बात के लिए बलदेव साहब प्री मैच्योर रिटायरमेंट नहीं ले सकते। जरूर कुछ सीरियस बात हुई है कैप्टन पठानिया, ये उनका अपना डिसीजन भी हो सकता है, इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? आई एम सॉरी टू से, बट कैप्टन यू आर अ इमोशनलेस पर्सन। हमारा एक पुराना वफादार जीसीओ अचानक से रिटायरमेंट क्यों लेगा? जरा सोच कर बताइए कि क्या बात हुई थी आपकी और उनकी। देखिए, जीसीओ बलदेव सिंह ने कुछ डिसीजंस। माफ कीजिए कैप्टन, आप बलदेव साहब कहिए। ओके। बलदेव साहब ने कुछ डिसीजंस लिए थे, मैंने सिर्फ उनसे इतना कहा कि हम लोग उनके सीनियर्स हैं, तो वो हमसे पूछ कर कोई भी डिसीजन ले, आगे से इस बात का ध्यान रखें। That's all. कैप्टन रजनी, इस आर्मी में आपसे भी ज्यादा सीनियर ऑफिसर है, क्या आप सारे काम उनसे पूछ कर करती हैं? वरना तो आपको भी सारे काम उनसे पूछ कर करने चाहिए। कैप्टन रजनी, आपकी यही एफिशिएंसी और डिसिप्लिन वाली बातें कुछ ज्यादा ही हो गई है। आप हद से ज्यादा स्नोबिश हो गई हैं, हद से ज्यादा। कैप्टन पठानिया, आप इस तरीके से मुझे ब्लेम नहीं कर सकते, इसमें मेरी कोई गलती नहीं, मैंने सिर्फ उनसे काम के बारे में बात की। कैप्टन रजनी, बात करने का एक सलीका होता है, एक उम्र का लिहाज होता है। आप रैंक में जरूर सीनियर हैं, पर एक्सपीरियंस में बलदेव साहब कहीं ज्यादा है। खैर, आपको समझाने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आप ओवर कॉन्फिडेंट, आपको लगता है कि कैप्टन रजनी कभी कुछ गलत काम कर ही नहीं सकते। आप अपने आप को क्या समझते हैं, पलटन की सीओ? सर, क्या बात होगी सर? मैंने आपको पहले ही वार्न किया था कि आप इस एफिशिएंसी के चक्कर में किसी को भी हर्ट नहीं करेंगे। क्या आप 857 जवानों को कंट्रोल कर सकती?